हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए फोर एस टेक्निकल में। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप प्लेजपोर्ट एप्लीकेशन पर केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एक से दो मिनट का टाइम लगेगा, तो मैं आपको सारा का सारा डिटेल्स के साथ में बताऊंगा कैसे आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हुआ तो जाकर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद मेरा रेफरल कोड भी मैंने दे दिया है, तो रेफरल कोड आप यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको कुछ बोनस पैसा मिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप फैंटेसी लीग खेल के आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, तो केवाईसी के लिए सिंपली यहाँ पे देखिए मोर का ऑप्शन है नीचे में, तो मोर के ऑप्शन में सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक वैलेट का ऑप्शन, तो सिंपली वैलेट के ऑप्शन में आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में जो है केवाईसी का यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, केवाईसी का ऊपर में, तो सिंपली ऊपर में आपको क्लिक करना है। केवाईसी में यहाँ पे सिंपली प्लीज़ डाउनलोड केवाईसी हो रहा है यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो गया, तो इसको सिंपली इंस्टॉल करते हैं हम लोग। केवाईसी को सिंपली इसको ऑन करते हैं, इसको डन करते हैं, इसको डन पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग आधार कार्ड वेरिफिकेशन 45 सेकंड लगता है आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए, तो सिंपली आधार कार्ड हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। सिंपली आपको आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे देना होता है, तो सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड का यहाँ पे दे देते हैं हम लोग आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड का उसको आपको स्कैन करना है, तो सिंपली हम लोग कर लेते हैं इसको। तो सिंपली दोनों तरफ स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपका सारा का सारी सारा आईडी यहाँ पे लिख आ जाता है, उसके बाद आपका नाम आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली डन पे आपको सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपली डन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, आप लोग अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए केवाईसी सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे केवाईसी सक्सेसफुल कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों पैन कार्ड वेरिफिकेशन, जी हाँ दोस्तों पैन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली वही चीज़ करना है, पैन कार्ड स्कैन करना है, तो हम लोग सिंपली स्कैन कर लेते हैं। दोस्तों स्कैन करने पर सारा का सारा यहाँ पे सारा कुछ आ गया है, पैन नंबर आ गया है, फुल नेम आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गया है, तो सारा कुछ करने के बाद सिंपली डन पे सिंपली हम लोग क्लिक करते हैं। डन पे यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं, केवाईसी सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया है। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो स्टेप है वो लास्ट स्टेप है, बैंक अकाउंट वेरीफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ से वेरीफाई करना होगा, तो सिंपली उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे करके। यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना होता है, जो कि यहाँ से स्कैन वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको यहाँ से बैंक अकाउंट डालना है नंबर और यहाँ पे आईएफएससी कोड, तो सिंपली इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों बैंक अकाउंट यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सिंपली डन पे हम लोग सिंपली क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे केवाईसी सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है, दोस्तों ये रिव्यू पे चल गया है, 45 सेकंड के अंदर ये जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से सिंपली बैक आते हैं, बैक आने के बाद केवाईसी पे सिंपली क्लिक करते हैं। यहाँ पे इन रिव्यू में भेजा गया है, तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है यहाँ पे आपको आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जो भी बैलेंस है यहाँ से आप इसे अपने बैंक अकाउंट में, इसे अपने पेटीएम में, अपने यूपीआई में इसे आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों केवाईसी इसी तरह आप कंप्लीट कर सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों।